सिर्फ नाम ही काफी है असं सुरुवातीलाच मी म्हटलं होतं तुमचा परिचय करून देताना. तेच मी पुन्हा म्हणेन की सिर्फ नाम ही काफी है असं दयाशंकरजींच्या बाबतीत म्हणता येतं. राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालना संदर्भात यांनी श्रद्धाताईंनी आता उल्लेख केला. मला आठवतं की सुरेश भट सभागृहाचं जेव्हा उद्घाटन झालं त्या कार्यक्रमाचं राष्ट्रपतींच्या समोर आपण सूत्रसंचालन केलेलं आहे. मी दयाशंकरजींना विनंती करतो कारण अटलजी आणि वक्तृत्वात आणि राजकारणात अटलजी आपले आदर्श आहेत. दयाशंकरजी कृपया मार्गदर्शन करा. हॅलो, हा बोला दयाशंकर. नमस्कार. हा नमस्कार. हा नमस्ते. हा येतोय आवाज तुमचा, बोला. आज सुबह से, हाँ बोला, आज सुबह से मैं आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय श्रद्धा ताई, इन दोनों का वक्तव्य सुन रहा था. सूत्र संचालन को लेकर के मेरे मन में अनेक जागरूकताएं थी, अनेक उत्सुकताएं थी कि भाई मैं भी एक विद्यार्थी के रूप में, प्रशिक्षणार्थी के रूप में आपके साथ शामिल हूँ. इस प्रकार का वातावरण मुझे लग रहा था. और इस समय प्रकाश जी ने विस्तार के साथ में इन सारी चीजों को आपके समक्ष रखा तो मुझे ऐसा लगा कि एक प्रशिक्षक के रूप में प्रकाश जी को सुनने का आस्वादन भी मैं कर रहा हूं करके. इसी के साथ साथ जब मेरी बड़ी बहन श्रद्धा ताई इन्होंने अपना विवेचन रखा तो मेरा आनंद दुगुणित हो गया. और विद्यार्थी जीवन की बहुत सी बातें एकाएक आंखों के समक्ष अपने आप आ गई. और उसका मुख्य कारण यह था कि विद्यार्थी जीवन में श्रद्धा ताई के मार्गदर्शन में हमने एक प्रशिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थी जीवन की शुरुआत करी और वाद विवाद के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने कदम दाल करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाया. मैं सर्वप्रथम अभिनंदन करना चाहूंगा आयोजक संस्था का. यह आयोजक संस्था ने आज एक अच्छे विषय पर एक प्रशिक्षण वेब के माध्यम से रखा है और मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं सारे प्रशिक्षार्थियों के साथ में मिलकर के आपस में कुछ चर्चा कर सकूं. श्रद्धा जी और प्रकाश जी जो मंच के क्षेत्र के दो महान विभूतियां हैं, उन दोनों विभूतियों के उद्बोधन के पश्चात शायद संचालन के क्षेत्र में कहने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता. लेकिन फिर भी एक सत्र मुझे लेना है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सत्र मुझे लेना है तो इस सत्र को लेकर के पूर्णता के साथ में मैंने आपके साथ कुछ बातों को प्रारंभ करना चाहिए. और सूत्र संचालन इस विधा को लेकर के आपसे चर्चा करनी है तो सूत्र संचालन की बारीकियों को तो प्रकाश जी ने बताया, श्रद्धा जी ने बताया, कुछ बातें मैं आपको भी बताना चाहता हूँ. सूत्र संचालन करने वाला जो व्यक्ति होता है जिसे हम सूत्र संचालक कहते हैं, सूत्रधार कहते हैं, मंच संचालक शब्द से उसका उपयोग करते हैं, यह जो व्यक्ति होता है यह व्यक्ति सचमुच में मास्टर ऑफ सेरेमनी होता है. किसी भी कार्यक्रम में आप देखिए कार्यक्रम पत्रिका बन जाती है, कार्यक्रम के अतिथि तय हो जाते हैं, कार्यक्रम पत्रिका छप जाती है और उस कार्यक्रम पत्रिका छपने के पश्चात उस कार्यक्रम की पत्रिका में जिस प्रकार के नाम समाविष्ट किए गए हैं उन नामों के अनुरूप ही सूत्र संचालन करने वाला होना चाहिए. इस दृष्टि से सूत्र संचालक की खोज की जाती है. मैं बहुत संजीदगी के साथ में कह रहा हूं कि अतिथि, वक्ता, कवि सारे चीज तय हो जाते हैं, उसके पश्चात सूत्र संचालन करने वाला व्यक्ति कौन होगा उसका नाम तय होता है करके. इसलिए सूत्र संचालक जो होता है वह उस कार्यक्रम का आभूषण होता है, उस आभूषण का श्रृंगार होता है और उसी के आधार पर उस कार्यक्रम की खूबसूरती तय होती है. ये कहने में मैं किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं समझता. और इसलिए सूत्र संचालक की जो जिम्मेदारी होती है वह बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है. मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि अनेक कार्यक्रमों में सूत्र संचालन देखने का मौका मिलता है जब हम श्रोता के रूप में बैठते हैं तो कुछ लोगों को देख करके कुछ सीखने को मिलता है और कुछ लोगों को देख करके कुछ ज्यादा ही सीखने के लिए मिल जाता है.
मुझे अच्छे से याद है कि सूत्र संचालक की एक बड़ी कमी है, और कमी यह है कि वह जब मंच पर संचालन करने के लिए जाता है तो वह कोशिश यह करता है कि मंच पर सबसे विद्वत व्यक्ति के रूप में मैं हूं, इसको स्थापित करने की चेष्टा करता है। सूत्र संचालन का काम, सूत्र संचालक का काम अपनी विद्वता को मंच पर प्रतिस्थापित करना कतई नहीं है। सूत्र संचालक का काम यह है जो एक तारतम्य स्थापित करके उस तारतम्य के आधार पर कहीं उस कार्यक्रम की एक सूत्रता को जोड़ने का प्रयास करें, और उस कार्यक्रम की एक सूत्रता को जोड़ते समय वह जो सूत्र संचालक है उस कार्यक्रम की एक सूत्रता को जोड़े। उस कार्यक्रम में आयोजन संस्था, अतिथि और सामने जो श्रोता है उनके बीच में एक पुल के रूप में काम करने का काम यह सूत्र संचालक ने करना चाहिए, यह उसकी भूमिका होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सूत्र संचालन करने वाला व्यक्ति सूत्र संचालन करते समय किसी भी प्रकार से मंच पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखे कि उसकी जिम्मेदारी, उसका उत्तरदायित्व केवल इतना ही है कि वह व्यक्ति मंच पर पूर्ण कार्यक्रम का संचालन प्रतिबद्धता के साथ में करे, ना कि उस मंच के ऊपर में पूरा का पूरा भाषण वह दे, ऐसी स्थिति वहां नहीं होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि सूत्र संचालन करने वाला व्यक्ति अपने घर से और समय की नजाकतता को ना देखते हुए सूत्र संचालक जो होता है उसकी एक मुख्य भूमिका होती है। सूत्र संचालक ने एक बात को विशेष रूप से समझ लेना चाहिए, और समझना यह चाहिए कि हमारी जो भोजन की थाली होती है उस भोजन की थाली में बहुत से खाद्य पदार्थ होते हैं, लेकिन उन खाद्य पदार्थों में चटनी और अचार की अहम भूमिका होती है, लेकिन थाली में अचार ज्यादा नहीं रखा जा सकता, चटनी ज्यादा नहीं रखी जा सकती, भोजन ही ज्यादा होता है। जिस प्रकार से भोजन की थाली में चटनी या अचार की भूमिका होती है, मंच के ऊपर में सूत्र संचालक की भी भूमिका वही होती है, और सूत्र संचालन करने वाले की भूमिका भी यही होती है। अचार या चटनी ये पूरा भोजन नहीं हो सकती, उसी प्रकार से सूत्र संचालक ने यह ध्यान रखना चाहिए कि जितनी आवश्यकता, जितनी मात्रा में थाली में भोजन के चटनी और अचार की आवश्यकता है, उतनी ही मंच पर सूत्र संचालन के भूमिका की आवश्यकता है, ये समझने में अतिशयोक्ति नहीं। भोजन के बीच बीच में जब हमें रुचिकर स्वाद लेने की आवश्यकता होती है तो हम कहीं अचार और चटनी का स्पर्श करके उसका स्वाद ले लेते हैं, उसी प्रकार से उस कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप उसमें तड़का लगाने का काम, उस कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाने का काम, उस कार्यक्रम को ऊंचा उठाने के लिए अपने व्यवहारिक और साहित्यिक ज्ञान का उपयोग करते हुए कार्यक्रम में चटकाने लगाना, यह सारे काम सूत्र संचालन के माध्यम से करना चाहिए। सूत्र संचालन की यह मुख्य रूप से जिम्मेदारी होती है। सूत्र संचालन करते समय एक बात का विशेष ध्यान दे, हमारा अध्ययन बहुत ज्यादा होना चाहिए। अध्ययन केवल साहित्य का हो ये नितांत आवश्यक है, इसके साथ में हमारी जो कादंबरियां हैं जिसमें रामचरितमानस है, महाभारत है, ज्ञानेश्वरी है, इन सारी चीजों का भी हमें विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि पता नहीं कि किस प्रकार से, किस समय में हम किसी भी प्रकार से, किस समय में अपने इस उपयोग को कर सकते हैं और उस तारतम्य को हम लोग स्थापित करते हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जीवन में पढ़ी हुई अनेक बातें कहीं ना कहीं रुचिकर रूप से हमारे सामने उसका उपयोग करने के लिए हम ला सकते हैं, और समय सूचक तक साथ में हमारे अध्ययन की गई बातों का उपयोग हम मंच संचालन करने के लिए कर सकते हैं। मैं आपको अपने विद्यार्थी जीवन की एक बात को अवलोकित कराना चाहूंगा। मैं एक वादविवाद स्पर्धा में गया, और वादविवाद स्पर्धा में जब मैं गया तो राजीव जी देश के प्रधानमंत्री थे, और विषय था कि नौकरी के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है, नया नया विषय था, उसके किसी प्रकार के कागज भी उपलब्ध नहीं थे, एकदम नया विषय राजीव गांधी जी ने रखा, उसी पर डिबेट हो गई। मैं बोलने के लिए गया, जब बोलने के लिए मैं गया तो वहां पर कागज पर मैंने अपने बोलने के पॉइंट्स लिखे, भाषण नहीं केवल क्या बोलना है मुख्य बिंदु लिखे, और उस मुख्य बिंदु को लेकर जैसे ही मैं मंच पर खड़ा हुआ, पंखा चल रहा था, वो चिट्ठी उड़ गई। चिट्ठी उड़ गई तो मैं क्या करूं,
मेरे शरीर में सिहरन होने लगे, शरीर के एक एक रोम से पसीना आने लगा, और जब पसीना आने लगा तो मुझे लगा मैंने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है उसको कहीं ना कहीं अपनी सारी इंद्रियों को एकत्रित करके उसका उपयोग करने की कोशिश करी, और मेरे ज्ञान चक्षु खुले और एकाएक मुझे एक उदाहरण याद आया। अब मैंने विषय रखा कि भाई विषय तो सीधा सा है कि राजीव गांधी ने कहा है कि नौकरी के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है। मैंने विषय का टोन चेंज कर दिया और मैंने कहा, एक उदाहरण दिया मैंने कि एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैं बेटे को इतना पढ़ाऊंगी इतना लिखाऊंगी कि इसे प्रभु श्री रामचंद्र बनाऊंगा। ये सुन करके पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने बेटे को राम बना करके खुद दशरथ बनना चाहते हो, बेटे की आड़ में तीन तीन पत्नी। जिस प्रकार से उस पत्नी ने विषय का विषयांतर करते हुए अर्थ का अनर्थ कर दिया, उसी प्रकार से आज के विषय का अनर्थ मेरे विरोधी वक्ता कर रहे हैं। इस प्रकार से मैंने किया और इतना कहने के बाद में फिर से मेरी ऊर्जा वापस आ गई और मैं फिर से मुख्य विषय के ऊपर मैं अपने विषय का प्रतिपादन कर सका, और मेरी चिट्ठी उड़ने के कारण जो मैं बेझिल हुआ था वो बेझिलपन मेरे पास से दूर हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जितना पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में उसका नोट्स निकालिए, अच्छी युक्तियों को जमा कीजिए, अच्छे सुविचारों को जमा कीजिए, अच्छी पंक्तियों को जमा कीजिए, और यह जब जब आप ये सारी चीजों को जमा करेंगे तो इन चीजों को जमा करने के बाद में उसे आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। मंच पर जाने के बाद अगर आप किसी पंक्तियों को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में वो आनंद नहीं आएगा जब आपको पंक्तियां कंठस्थ होगी और उसको आप उद्गारित करने की कोशिश करेंगे करके। जब आप कंठस्थ पंक्तियों को बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके नाभि में से वो आवाज निकल रही है और आपके हृदय से निकल करके आपके नैसर्गिक उच्चारण में वो सारी की सारी चीजें उच्चारित होगी। अगर आपने पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश करी, लिखी हुई बात को पढ़ने की कोशिश करी, तो कहीं भी वह बात जो उसको कंठस्थ करने के कारण हमारे मुखारवृंद से उत्सर्जित होती है वह बात हमारे मुखारवृंद से उत्सर्जित नहीं हो सकती, ये कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। एक बात मैं और विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, हम मंच का संचालन करते समय अनेक कवियों की कविताओं का उपयोग करते हैं, हम अनेक संस्कृत के सुभाषित का उपयोग करते हैं, हम अनेक पंक्तियों का उपयोग करते हैं, अनेक शेर व शायरियों का उपयोग करते हैं। एक गंदी सी आदत आजकल का संचालन करने वाले लोगों में आ गई। वो गंदी सी आदत यह है कि संचालन करते करते वे कवि की मूल पंक्तियों को परावर्तित करके उसमें दो अलग लाइन जोड़ करके बोलने लगते। मैं कृपापूर्ण आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसी की रचना की हत्या करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। किसी व्यक्ति ने अगर ऐसी पंक्तियां लिखी है कि जिन पंक्तियों को उद्गारित करने के लिए आप मजबूर हो रहे हैं, तो उस पंक्ति में इतना सामर्थ्य है कि उसको कट शॉर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर आप उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप उसकी रचना के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसलिए किसी की मूल रचना को आप किसी भी प्रकार से काट काट करके मंच पर प्रस्तुत न करें, ये निवेदन मैं आपसे स्पष्ट रूप से करना चाहता हूँ। एक बात मैं आपसे और बताना चाहता हूँ कि जिस संदर्भ में हम कार्यक्रम को ले रहे हैं उस संदर्भ की जानकारी हमने लेकर के कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। जिस परिवेश में हम लोग कार्यक्रम ले रहे हैं उस परिवेश से जुड़ी ही बातों को संचालन करता ने अपने मंच से संचालित करते समय उसका उल्लेख करना चाहिए। मैं आपको अगर उदाहरण देना चाहूं तो हम लोग जब कारगिल युद्ध की बात करते हैं तो कारगिल युद्ध की बात में हमें एक बात याद आती है कि एक सेनानी जब कारगिल की चोटी पर टाइगर हिल पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ रहा था तो उसे रेडियो का एक स्लोगन याद आ गया कि ये दिल मांगे मोर। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है लेकिन कारगिल की उस ऊंचाइयों में विपरीत स्थिति में भी अपने को रिलैक्स करने के लिए ये दिल मांगे मोर करके और कदम आगे बढ़ा करके और विजयश्री प्राप्त करना है। इस प्रकार उसने अपनी ऊर्जा को जो ऊर्जान्वित करने की कोशिश करी और दुगनी ऊर्जा से फिर अपने आप को प्रस्तुत करने की चेष्टा प्रस्तुत करी, यही सूत्र संचालक की कार्यक्रम में मुख्य भूमिका होनी चाहिए, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से लगता है। सूत्र संचालक जो होता है या उस कार्यक्रम की विशेष धुरी होता है, एक्सिस होता है, उसी के चारों तरफ ये पूरा का पूरा कार्यक्रम घूमता है, और उसी के चारों तरफ अगर कार्यक्रम घूमता है और एक्सल ही अगर कमजोर हो जाए, एक्सल ही अगर ठीक तरीके से काम ना करे तो पूरा का पूरा कार्यक्रम खराब हो जाता है। उस कार्यक्रम में जो सरल
और सरित प्रवाह होता है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए सूत्र संचालक ने अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक तरीके से करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि सूत्र संचालन करते समय नवीनता अपने प्रत्येक कार्यक्रम में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और एक और निवेदन में कृपा पूर्ण करना चाहूंगा कि आप सूत्र संचालन करते समय, अगर आप सूत्र संचालन कर रहे हैं तो कतई ये न समझे कि आप सूत्र संचालन कर रहे हैं इसका मतलब इस कक्ष में आप सबसे बड़े उदाहरण है। आवाज येत आहे मदार। मैं आपको बड़े कृपापूर्ण कहना चाहूंगा कि अगर आप सूत्र संचालन कर रहे हैं तो ये कतई न सोचे कि संचालन को करते समय उस सभागार के सबसे विद्वान व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति आप है, ये इसलिए ना समझे कि आपसे भी ज्यादा विद्वान उस सभागार में हो सकते हैं करके। इसलिए अपनी विद्वता को अपने तक सीमित रख करके अपने विचारों के माध्यम से अपनी वैचारिक संदर्भ को उनके बीच में स्थापित करने की चेष्टा हमने करनी चाहिए। एक सूत्र संचालन करने वाला व्यक्ति ये जीवन भर विद्यार्थी होता है, जीवन भर विद्यार्थी होता है, उसको सीखने की आवश्यकता होती है, सीखता ही रहता है वो। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में मैं गया, मेरे साथ में नागपुर के पूर्व सांसद गेम अवारी थे, वो भी एक बहुत अच्छे वक्ता। उस कार्यक्रम का संचालन करते करते संचालनकर्ता ने एक शब्द का उच्चारण किया, और जब शब्द का उच्चारण किया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने गेमावारी जी से कहा कि भैया मुझे एक नया शब्द मिल गया है। गेमावारी जी ने कहा कि दयाशंकर कौन सा शब्द मिल गया है? मैंने कहा कि भैया उस मंच संचालिका ने जब संचालन करते करते तो मेरे सत्कार के लिए किसी व्यक्ति को बुलाया तो उसने पुष्पगुच्छ शब्द का उपयोग नहीं किया। हम लोग पुष्पगुच्छ शब्द का उपयोग बारम्बार करते। तो आवारी जी ने पूछा कि आप किस शब्द का उपयोग किया? भैया कि उसने कहा कि सुमन संकुल से आपका स्वागत करते। अब पुष्पगुच्छ के लिए सुमन संकुल ये शब्द मेरे लिए नया था। मैंने मेरी डायरी निकाली और उसमें सुमन संकुल ये शब्द लिख लिया। आवारी जी को मैं बता ही रहा था कि सुमन संकुल शब्द के साथ का उच्चारण करके उन्होंने सत्कार किया तो पुष्पगुच्छ के लिए नया शब्द मिल गया। इतने में उस मंच का संचालन करने वाली महिला ने फिर से एक नए व्यक्ति के सत्कार के लिए आवाज लगाई और उसके लिए फिर एक नया शब्द वापरा। उसके लिए उनने वापरा, उस महिला ने वापरा था, उस संचालिका ने शब्द वापरा था कि सुरभित सुमन संकुल। यह जो सुमन संकुल है यह केवल पुष्पगुच्छ नहीं है, यह सुरभित सुमन संकुल है, इसमें से खुशबू का भी वास है, खुशबू भी प्रवाहित हो रही है करके। और ये दोनों शब्द जब मुझे मिल गए तो मैंने दोनों शब्दों को आत्मसात कर लिया और उस पर मास्टरी हासिल करने के लिए संचालन करते समय इन शब्दों का बारम्बार बारम्बार उच्चारण करके उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करे। संचालन करने वाले व्यक्ति के पास में शब्दों का भंडार होना नितांत आवश्यक है। जिस संचालक के पास में जितना ज्यादा शब्दों का भंडार होगा वह संचालक उतने ताकत के साथ में अपने विचारों को स्थापित कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं। प्रकाश जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि हमारी जीभ जो है उसको पलटने की आदत होनी चाहिए, जीभ को कहीं ना कहीं ट्विस्ट होने की आदत होनी चाहिए। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ और जबान उसी समय पलटेगी जब जबान पर बहुत सारे शब्दों का बोझ लदा होगा, बहुत सारे शब्दों के साथ में जबान अलंकृत होगी, मस्तिष्क अलंकृत होगा। अगर आपके पास में ज्यादा शब्दों का भंडार नहीं है तो आप हकलाने लगेंगे, अटकने लगेंगे, अटकिया बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में शब्दों का भंडार है तो किसी एक शब्द पर ना अटकते हुए आप सरस सरस सरित प्रवाह के रूप में शब्दों का उच्चारण करते चले जाएंगे। आप क्या बोलना चाह रहे हैं ये आपको मालूम है। अगर आप किसी शब्द में अटक करके दूसरे शब्द को भी बोल गए तो श्रोता को उसकी जानकारी नहीं है। और एक अच्छे संचालक की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि अगर किसी शब्दों में वह गुत्थता भी है तो अपने शब्द बाण के माध्यम से वह उस गुत्थी को सुलझा करके अग्रक्रम स्थापित करते हुए उस कार्यक्रम की सुस्थिरता को बरकरार रखते हुए अपने विचार को आगे प्रस्थापित करने की कोशिश करें। एक अच्छे संचालक ने नोट्स लेना चाहिए, ये सरिता जी ने भी, श्रद्धा जी ने भी बताया। मेरे मुंह से सरिता जी इसलिए निकल रहा है कि विद्यार्थी जीवन में सरिता जी इस नाम से ही हम लोगों ने साथ में बुलाए, आफ्टर मैरिज हुए श्रद्धा जी हो गई हैं। और मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि अगर आप नोट्स निकालेंगे तो आपको आपकी खामियां और आपकी खूबियां दोनों दिखाई देगी। आपकी खामियां और खूबियां इसलिए दिखाई देगी कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईना आपके चेहरे की खामियां भी दिखाता है और खूबियां भी दिखाता है, और आईना
आपको खूबसूरत बनाने के लिए आपके हाथों को अपने आप आपके ड्रेसिंग रूम पर पड़े हुए जो भी पदार्थ रहते हैं, जो भी जिसे हम कंघी कहें और बाकी चीजें कहें, वे अपने आप आपके चेहरे को सुंदर बनाने के लिए काम करने लगती है। जिस भूमिका आईने की है वही भूमिका कार्यक्रम के पूर्व आपके नोट निकालने की है। अगर आपने कार्यक्रम के नोट निकालना प्रारंभ किया तो आईना देखने के बाद में जिस प्रकार से अपनी खामियां और खूबियां दिखाई देने लगती हैं, उसी प्रकार से नोट्स निकालने के साथ में कार्यक्रम की खामियां, कार्यक्रम की खूबियां और आपकी खूबियां और आपकी खामियां दोनों की दोनों आपको परिचय होने लगती है। इन सारी चीजों को आप विशेष रूप से ध्यान दें। कार्यक्रम का संचालन करते समय जिस व्यक्ति के कार्यक्रम में संचालन करने के लिए हम जा रहे हैं, सर्वप्रथम उस व्यक्ति से कार्यक्रम होने से पहले आधा घंटा पहले हमने चर्चा कर लेना चाहिए। उस कार्यक्रम का उद्देश्य, उस कार्यक्रम की पार्श्वभूमि, इन सारी चीजों की जानकारी लेने के पश्चात ही हमने उस कार्यक्रम का संचालन करना चाहिए। अन्यथा वह कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ और हो और हमारे उद्गार में कुछ और निकल जाए तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का वातावरण दूषित हो जाता है कि आयोजक भी सोचने लगता है कि किस व्यक्ति को मैंने यहाँ पर बुला लिया। मैं ये मानता हूँ कि सारे के सारे सूत्र संचालन करने वाले इस बात का ध्यान रखते हैं, फिर भी मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि किस संदर्भ में उस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है करके। बहुत सारे कार्यक्रमों में होता ऐसा है कि किसी साहित्यकार के जयंती पे कार्यक्रम किया जाए और किसी साहित्यकार के किसी बलिदानी के पुण्यतिथि पर कार्यक्रम किया जाए। दोनों कार्यक्रम में जोश तो होना चाहिए, खरोश तो होना चाहिए, लेकिन भाषा का संयोजन अलग अलग होना चाहिए। कारण पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रम की भाषा अलग होगी और जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की भाषा अलग होगी। इस बात को हमने सहजता के साथ में समझना चाहिए, अन्यथा साहित्यकार की जयंती है या साहित्यकार की पुण्यतिथि है, इसके आधार पर हम एक ही भाषा और एक ही संयोजन का नियोजन करते हुए अगर अपने विचार को प्रस्फुटित करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे संचालन में अड़चन होगी। मैं अपने जीवन का एक अनुपम उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे मैंने बहुत आनंद प्राप्त किया और उस संचालन के पश्चात मेरी वाहवाही भी बहुत है। नागपुर शहर के शताब्दी ग्रंथ का विमोचन करने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रणव मुखर्जी जी नागपुर के हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मानकापुर में आए थे। उस कार्यक्रम का संचालन महानगरपालिका की ओर से मैं स्वयं कर रहा था। मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज की जाए दयाशंकर जी डिस्कनेक्ट झालेले दिसतात, आपण एक मिनिट वाट पाहू त्यांची। हॅलो, हां बोला 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 दयाशंकर जी बोला, हा आवाज येतोय तुमचा बोला। नागपूर महानगरपालिका के एक कार्यक्रम में शताब्दी ग्रंथ के विमोचन करने के लिए प्रणव मुखर्जी जी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी आए थे और मुझे ऐसा लगा उस कार्यक्रम में कुछ नवीनता के साथ में ऐसी बात कहनी चाहिए कि प्रणव जी ने इस कार्यक्रम की याद चिरंतन अपने जीवन में रखनी चाहिए। जब चिरंतन अपने जीवन में रखना चाहिए विषय आया तो मैंने बड़ा प्रयास किया कि क्या अच्छी चीज है जिसके कारण प्रणव जी इस बात को जीवन भर याद रखें। मेरे ध्यान में आया कि प्रणव मुखर्जी हम सब लोग कहते हैं और उनका जो नाम है या प्रणव है वह नहीं है, ब है। और जब प्रणव है मैंने देखा तो प्रणव शब्द का डिक्शनरी मीनिंग ढूंढना मैंने प्रारंभ किया। जब डिक्शनरी मीनिंग ढूंढना प्रारंभ किया तो मुझे प्रणव शब्द का डिक्शनरी मीनिंग कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा कि शायद ये प्रणव शब्द जो है ये बंगाली भाषा का हो सकता है। अब मेरे एक बंगाली मित्र से मैंने फोन करके पूछा, नाम लेने में कोई अड़चन नहीं, प्रसन्न करके टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार है, उनसे मैंने कहा भाई प्रसन्न आप बंगाली हो, ये प्रणव शब्द का क्या अर्थ होता है मुझे बताइए। प्रसन्न ने कहा कि मुझे भी बंगाली की इतनी जानकारी नहीं है लेकिन मैं प्रणव शब्द की जानकारी आपको अपनी माताजी से लेकर के बताता हूँ। प्रसन्न जी ने अपनी माताजी से प्रणव शब्द का अर्थ पूछा और प्रसन्न जी ने मुझे बताया कि प्रणव शब्द का अर्थ क्या होता है। मैं आह्लादित हो गया, इसलिए आह्लादित हो गया कि प्रणव शब्द का अर्थ ही अंतर्मन की आवाज था, अंतर्मन की आवाज था, साउंड ऑफ सोल था, अंतर्नाद था। अब मंच संचालन करने से पूर्व मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। जब मैं मंच संचालन कर रहा था तो मंच संचालन करते समय मैंने कहा कि प्रणव मुखर्जी जो है ये प्रणव जी मुखर्जी देश के राष्ट्रपति होने के साथ इस देश के बहुत बड़े नेता है
और सर्व स्वीकृत नेतृत्व इसलिए है कि प्रणव जी जो कुछ भी कार्य करते हैं, प्रणव जी सारे कार्य करते समय अपने अंतरात्मा की आवाज के आधार पर काम करते हैं, अपने अंतर्मन की आवाज के आधार पर काम करते हैं। कारण प्रणव जी, प्रणव इस शब्द का अर्थ ही अंतरात्मा की आवाज होता है। मैं उस वीडियो को आज भी देखता हूं, उनके बाजू से देवेंद्र जी फडणवीस बैठे हुए थे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद देवेंद्र जी ने मुझे बताया कि प्रणव जी ने कहा कि मेरे संपूर्ण राजनीतिक जीवन में ये पहला मौका है कि किसी व्यक्ति ने मेरे नाम का अर्थ मंच के ऊपर से बताया। मैं मेरे मन में उत्सुकता थी और उस उत्सुकता के कारण कार्यक्रम में कुछ ना कुछ नवीनता होनी चाहिए। इस दृष्टि से मैंने एक कोशिश करी, कोशिश करने के लिए पूरा प्रयास किया, अंतिम क्षण तक प्रयास किया, जब तक लक्ष्य हासिल नहीं कर लिया। और लक्ष्य हासिल करने के बाद जब मैंने उसका उच्चारण मंच पर से किया तो मेरा जो टारगेट था कि प्रणव जी ने खुश होना चाहिए, मेरा टारगेट पूरा हो गया। प्रणव जी अपने साथ अपने जीवन की याद साथ में लेकर के गए अनायास। उस दिन विश्व हिंदी दिन था और विश्व हिंदी दिवस होने के कारण उस कार्यक्रम से मैं हिंदी में संचालन कर रहा था तो अनेक लोगों ने आकर के मुझसे कहा कि आज विश्व हिंदी दिवस आकार हो गया और प्रणव जी भी अपने साथ में आपकी ये सारी बातें अपने साथ में लेकर के गए। मैं उदाहरण केवल इसलिए दे रहा हूं कि अगर हम संचालन करते समय कागज पर कुछ लिखे तो कुछ नया करने की इच्छा होगी और जब कुछ नया करने की इच्छा होगी तो हमारे संचालन में नवीनता होगी और हमारे संचालन में नवीनता होगी तो हमारा संचालन हमेशा रुचिकर बना रहेगा। हमारे संचालन को रुचिकर बनाने के लिए नित्य नूतन प्रयास करने की हमेशा आवश्यकता है। वो नित्य नूतन प्रयास हमारे मंच पर से दिए गए उदाहरणों के माध्यम से हो सकता है। वो नित्य नूतन प्रसाद हमारे मंच पर से उच्चारित की गई पंक्तियों के माध्यम से होता है। वो नित्य नूतन प्रसाद हम जिन मुहावरों को मंच पर से उद्गारित करते हैं उनसे हो सकता है। वो नित्य नूतन प्रसार हम मंच पर से जिन श्लोका का उदाहरण को श्लोकों का उच्चारण करते हैं उससे हो सकता है। और ये सारी चीज करते समय उच्चारण शुद्धता के तरफ में विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा हमारा उच्चारण गलत हो गया तो बहुत बार तो शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए सूत्र संचालन के लिए उच्चारण सबसे बड़ी बात है। उच्चारण के साथ साथ उसके संदर्भ होना नितांत आवश्यक है और संदर्भ के साथ साथ समय सूचकता के अनुरूप उसकी प्रस्तुति करना नितांत आवश्यक है। हमारे पास बहुत सारा सामग्री हमारे पास है, बहुत कंटेंट है, बहुत जानकारी है, बहुत बड़े साहित्य के ज्ञाता है और ये सारी चीज हमारे पास बहुत अच्छी है, लेकिन उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास रखा हुआ सारा का सारा साहित्य उस लाइब्रेरी के समान है जिस लाइब्रेरी में पुस्तकें तो बहुत सारी रखी हुई है लेकिन उसको पढ़ के आत्मसात करने वाला कोई नहीं। हमारे पास जो ज्ञान का भंडार है उस ज्ञान के भंडार को संदर्भ के साथ में समय सूचकता से उपयोग करने का हमें मौका मिलना चाहिए और उस मौके का हमने ठीक तरीके से नियोजन करना चाहिए। इससे ज्यादा सूत्र संचार की और कोई भूमिका नहीं। मैंने जीवन भर पढ़ पढ़ करके किस साहित्य का संच अपने पास जमा किया है उस साहित्य के संच का नियोजन समय सूचकता के साथ में संदर्भ के साथ में अगर मंच पर क्षण मात्र में मैंने क्षणिक रूप में कर दिया तो मेरा ज्ञान कहीं ना कहीं बाहर निकल करके लोगों तक पहुंच सकता है और कार्यक्रम में रोचकता उत्सुकता तारतम्यता बढ़ सकती है। इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। एक सूत्र संचालक एक चिकित्सक की तरह होता है। चिकित्सक मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिकित्सक जो होता है वो बीमारी को ढूंढ करके मनुष्य को स्वस्थ करने का काम करता है। सूत्र संचालक की भूमिका भी उसी चिकित्सक के समान है। जिस प्रकार से चिकित्सक बीमारी को समाप्त करता है उसी प्रकार से मंच पर उत्पन्न होने वाली सारी व्याधियां जो है इन व्याधियों का निराकरण एक चिकित्सक के रूप में अपने शब्द चातुर से करने की जिम्मेदारी जो होती है ये पूर्ण रूप से नियोजन की सारी खामियों को समाप्त करके उसे सुंदरता सहजता सरलता सुगमता और सविरलता प्रदान करने का काम सूत्र संचालन करता है। ये सहजता के साथ करने का तारतम्य सूत्र संचालन की वाणी में होना चाहिए, ऐसा निवेदन मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ। एक बात मैं और करना चाहता कि सूत्र संचालन करते समय हम एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रकाश जी ने इस बात को कहा है कि अगर मंच पर से हम किसी परिसंवाद में हैं, हम किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हैं, किसी व्यक्ति ने अगर भाषण दिया है तो उस भाषण की पंक्तियों को दोहराने में हमने ऐसा लगता है कि उसके भाषण को मैं दोबारा लोगों के सामने बता दूं। मैं प्रकाश जी की बात से सहमत हूँ
जो चीज उन्होंने कही है, जो उन्होंने कही, जो विचार उन्होंने मंच के सामने स्थापित करने की कोशिश की है, अगर हम उसका पुनरुच्चारण करने की कोशिश करेंगे तो इससे दो चीजें स्थापित होती है। पहली चीज तो यह स्थापित होती है कि जो वक्ता था वो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, इसलिए उसको पहुंचाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। इससे आप उस सम्मानित वक्ता का अपमान करेंगे और इसका अधिकार आपको संचालन करने के लिए नहीं दिया गया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बातों में से कोई बात आपको अच्छी लगी है तो अमुक वक्ता ने यह कहा, यह कहने की अपेक्षा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 3, 4, 5, 10 मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर आप उस वक्ता के विचारों का एक छोटा सा शब्दसंच बना करके प्रस्फुटित कर दे और उससे उस वक्ता की महिमा को मंडित करने की आप कोशिश करें तो उस वक्ता को भी अच्छा लगेगा और उस वक्ता के बाद आने वाले वक्ता को जोड़ने के लिए जो सेतु निर्माण करना पड़ेगा, जो एक सेतु शब्द बाण से निर्माण करने की कोशिश करनी पड़ेगी, वो शब्द सेतु भी निर्माण करने में आप सफल हो जाएंगे और दो वक्ताओं को जोड़ने के लिए जिन पंक्तियों का नियोजन आपने करके रखा है बोलना अत्यंत आवश्यक है। एक बात मैं और विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता जो होते हैं उनके मंच संचालन करने के लिए बहुत सारी, अब जैसे कहते हैं ना कि राजनीति में पद पर बैठने कांटों का ताज होता है, वैसे राजनीतिक मंच पर से मंच संचालन करना भी कांटों का ताज होता है। किसी एक नेता के बारे में आपने अच्छी लाइन बोल दी और दूसरे नेता के बारे में बोलने वाली लाइन में उससे थोड़ी सी कमी आ गई तो पहले नेता को लगता है कि दूसरे को पकड़ा गया, लेकिन संचालन करना जो होता है यह निष्प्रह स्वभाव का होता है, या किसी एक व्यक्ति को समाज पर स्थापित करने के लिए या मंच पर स्थापित करने के लिए संचालन नहीं करता, वह हर व्यक्ति को एक श्रोता के साथ में जोड़ने के लिए अपने वैचारिक तारतम्य के अनुरूप व्यक्ति को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। यह समझ करके हमने करना चाहिए, किसी प्रकार की मन में हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि हमने अमुक व्यक्ति का परिचय देते समय इस संदर्भ को दिया तो दूसरे व्यक्ति का परिचय देते समय दिया गया संदर्भ कुछ अलग हो गया तो मुझसे नाराज हो जाएगा। नाराजगी वगैरह उस व्यक्ति का विषय है, आप उस कार्यक्रम के संयोजन के लिए आए हैं, उस कार्यक्रम के संयोजन के सूत्रधार के रूप में आपकी भूमिका वह है कि जिसके आधार पर पूरे कार्यक्रम का संचालन होने वाला है। मैं अगर सामान्य शब्द में बताऊं तो जो चक्का होता है वो चक्का जिस पर चलता है उसको हम बेरिंग कहते हैं, बाल बेरिंग। उस बाल बेरिंग में छोटे 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 छर्रे होते हैं, उस छर्रे में से अगर एक भी छर्रा कट जाए तो उस चक्के में किसी प्रकार की हलचल होने लगती है, जिसे हम सामान्य भाषा में चक्के में डंक हो गया, चक्के का बैलेंस बिगड़ गया, इस प्रकार से कहते हैं। अगर सूत्र संचालन करने वाला अपना बैलेंस थोड़ा सा भी बिगाड़ दे, उसका शब्द संयोजन थोड़ा सा बिगड़ जाए, उसका दिया गया उदाहरण थोड़ा सा बिगड़ जाए, उसके द्वारा किया गया उद्गार थोड़ा सा बिगड़ जाए तो पूरा का पूरा कार्यक्रम में हलचल होने लगती है, डगमगाने लगता है। सूत्र संचालन के मुख से निकलने वाले शब्द से मंच हलने लगता है, ये कहने में किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें सूत्र संचालक जो होता है यह मुख्य धुरी होता है और धुरी अगर विचलित हो गई तो पूरा मंच विचलित हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर के उसने सारी बातें करना चाहिए। एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ। आदरणीय कुलकर्णी जी ने अभी उल्लेख किया कि सुरेश भट्ट सभागृह के उद्घाटन के समय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम का मैंने संचालन किया। अब संचालक के सामने बड़ी अड़चन हो जाती है। कुलकर्णी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए जब मैं मंच पर था तो बाहर बहुत सारे वे अतिथि थे जो सारे के सारे प्रणव जी के कार्यक्रम में भी थे, कारण राष्ट्रपति के कार्यक्रम में सारे मजिस्ट्रेट से लेकर के सारे IAS ऑफिसर सारे लोग वहां मौजूद होते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त तो स्वयं अपने आप में बहुत बड़े साहित्यकार भी है, और उस समय जो डिविजनल कमिश्नर थे, डिविजनल कमिश्नर भी अच्छे साहित्यकार थे, और इनके बीच में संचालन करने का एक अलग ही आनंद आता रहा। कारण केवल अधिकारी नहीं, पदाधिकारी नहीं, हमारे IAS ऑफिसर्स भी अगर साहित्य में रुचि रखने वाले हो तो संचालन का आनंद अपने आप दुगुनित हो जाता है। एक अधिकारी ने बुला करके मुझसे कहा कि दयाशंकर, प्रणव मुखर्जी के कार्यक्रम में तो प्रणव मुखर्जी के नाम का अर्थ तुमने बता दिया था, अब ये गोविंद जी आए हैं, रामनाथ जी, इन रामनाथ जी के कार्यक्रम में उनके नाम का उदाहरण तुम कैसे बताओगे? अब सूत्र का संचालन करने वाला तो मुसीबत को स्वीकार करने वाला होना चाहिए, चुनौती को स्वीकृत करने वाला होना चाहिए। उन्होंने मेरे सामने चुनौती रखी, चुनौती यह थी कि रामनाथ जी कोविंद के नाम का उच्चारण आपके संचालन में आना चाहिए, और मैंने संचालक की भूमिका बताई कि उसकी भूमिका भोजन की थाली में चटनी या अचार जैसी होनी चाहिए। मैं मंच पर गया,
रामनाथ कोविंद जी का महामहिम राष्ट्रपति जी का परिचय दे रहा था। परिचय देते देते मेरे मन में विचार आया कि उन्होंने कहा कि नाम की जानकारी दे। मैंने कहा कि हमारे राष्ट्रपति जी का नाम है रामनाथ जी कोविंद। अब रामनाथ जी ये नाम आने के बाद इस शब्द में राम शब्द है, और ये राम शब्द कैसे बना है? जब हम रा शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख खुलता है, और म शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख बंद हो जाता है। इसलिए राम यह शब्द हमें बताता है कि अपने अंदर की गंदगी निकाल दो और बाहर की गंदगी को अंदर ना जाने दो। ये राम शब्द से हमें सीखने के लिए मिलता है। उन्होंने चुनौती रखी, मैंने उसको एक अवसर के रूप में परावर्तित करके उच्चार उदाहरण कर दिया, और उदाहरण करने के बाद जब मैं इसका उच्चारण करके इसको स्थापित करने की कोशिश कर रहा था तो मंच पर बैठे हुए सारे अतिथि एकाग्र चित्त होकर के मेरी ओर देख रहे थे, और जब मैंने राम शब्द का उल्लेख करके उसका विस्तार से विवेचन किया तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी आह्लादित हो गए, उनके चेहरे की मुस्कान देखते ही बंद करके। मैं उदाहरण केवल इसलिए दे रहा हूं कि आप नवीनता लाइए, विविधता लाइए, शब्द संयोजन में भी विविधता लाइए, और आप सरलता के साथ में हर कार्यक्रम में आपका उपक्रम लालित्यपूर्ण होना चाहिए, लालित्यपूर्ण होना चाहिए। और आपका उपक्रम अगर लालित्यपूर्ण रहा और कुछ नया करने की आप में ललक रही तो आप जीवन में हमेशा उच्च सोपान स्थापित करते जाएंगे, उच्च परम स्थापित करते जाएंगे। आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जीवन में एक शब्द को आप हमेशा याद रखें कि आप जीवन भर विद्यार्थी है। आप अपने आप को डॉक्टर ना समझिए, आप अपने आप को प्रोफेसर ना समझिए, आप अपने आप को जीवन भर विद्यार्थी समझिए। अगर आपने अपने आप को जीवन भर विद्यार्थी समझा तो विनय आपके साथ जीवन भर रहेगा, आपकी गर्दन हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए जीवन भर झुकी रहेगी। और जो नम्रता के साथ में अपने जीवन को अंगीकृत कर लेता है और नम्रता को ही अपने जीवन में स्वीकृत कर लेता है तो नम्रता के साथ में किया गया किसी भी प्रकार का संचालन कभी भी कठोर नहीं हो सकता। आपके मुखारवृंद से निकले हुए कठोर शब्द भी सामने वाले व्यक्ति को अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं। मैं एक बात का और निवेदन करना चाहूंगा और अपनी बात को विश्रांति देने की कोशिश करूंगा। हमारी बहन श्रद्धा जी ने कहा मंच पर से कठोर भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बात का मैं और विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी ने एक बात कही है कि जब आप मंच पर से अपने विचार स्थापित करते हैं तो आपके बोलते समय आपकी भाषा जो होती है उसमें माधुर्य होना नितांत आवश्यक है, लेकिन आपकी भाषा जो होती है वो चुटीली होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी को चिमटी लेने का काम कर रहे हैं। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय मंच पर से भाषण करते थे वो चुटकियां लेते थे और उन चुटकियों का लोग आनंद लेते थे, जिसको चुटकियां ले रहा है वो भी ताली बजाता था। सावरकर जी ने अपनी शैली को इसी प्रकार से स्थापित करने के लिए कहा है। सावरकर जी कहते थे कि अगर आप मंच पर से बोल रहे हैं और अपनी बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो श्रोता को ऐसा लगना चाहिए कि कहीं आप उसको गाली तो नहीं दे रहे, कहीं आप उसको चिढ़ा तो नहीं रहे, कहीं आप उसको उद्वेलित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, लेकिन आपके भाषा का सामंजस्य इतना सुमधुर होना चाहिए, इतना बैलेंस होना चाहिए, इतना संतुलित होना चाहिए कि आपके द्वारा ली जाने वाली चिमटी, आपके द्वारा ली जाने वाली चिकोटी, आपके द्वारा की जाने वाली छेड़खानी का भी उसने आनंद लेना चाहिए और उसको लगना चाहिए कि और एक गाली देना करके। और अच्छा सूत्र संचालक वही होता है जो इन सारी चीजों का ध्यान रखता है। हम किसी प्रकार की हंसी ठिठोली करते समय यह ध्यान रखे कि शालीनता यह हमारा श्रृंगार है, अगर शालीनता समाप्त हो गई तो हमारा श्रृंगार अगर उतर गया तो हम सूत्र संचालक के रूप में कभी भी स्वीकार योग्य नहीं होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि शब्द संचालन करते समय चरित्र, शालीनता, इन सारी चीजों का संयोजन नितांत रूप से आवश्यकता है, भाषा का संयोजन आवश्यकता है, नित्य नूतनता का संयोजन आवश्यकता है, वाणी की सरलता सुगमता का संयोजन आवश्यकता है, वाणी की निरंतरता का संयोजन आवश्यकता है, और संचालन करते समय एक ही बात का विशेष रूप से ध्यान देना जो सूत्र संचालन की सबसे बड़ी पूंजी है कि एक वक्ता से दूसरे वक्ता को, एक गायक से दूसरे गायक को, एक कवि से दूसरे कवि को जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखे कि जो वेव है, जो तरंग है, जो तरन्नुम है कार्यक्रम का, वो टूटना नहीं चाहिए।
कार्यक्रम का तरन्नुम बने रखने के लिए, कार्यक्रम का तरंग बनाए रखने के लिए, कार्यक्रम की सरलता बनाए रखने के लिए यह सारी चीजें नितांत आवश्यक है। आप इन सारी चीजों का नियोजन अपने जीवन में अगर करेंगे तो एक श्रेष्ठ सूत्र संचालक साबित हो गए, इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं। आपने मुझे सहजता के साथ में सहन किया, इसलिए मैं आपका आभार भी मानता हूं। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मूल रूप से मेरी विधा ये मंच संचालन की नहीं, मजबूरियों के कारण अनेक बार मंच संचालन करना पड़ता है, लेकिन आज आदरणीय कुलकर्णी जी ने निवेदन किया कि मंच संचालन इस विषय पर आपसे चर्चा करनी है, इसलिए चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित रहा। कारणों के कारण शुरुआत में मैं आपसे नहीं जुड़ सका, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आप सभी लोगों ने जो रसास्वादन किया सहनता के साथ में, सज्जनता के साथ में, सहनशीलता के साथ में, बगैर किसी प्रकार के व्यवधान को उत्पन्न करते हुए यह हमारा चर्चा यही हम विश्राम देते हैं। आप सभी को मैं हृदय से पुनः धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी को पुनः सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दयाशंकर जी, वाह सुंदर अप्रतिम असंच तुमच्या आजच्या या मार्गदर्शनाचं वर्णन करावं लागेल। काही तांत्रिक अडचणीमुळे बराच वेळ आपल्याला वाट पाहावी लागली, ह्या गोष्टींसाठी तुम्ही आम्ही आणि श्रोतेही सर्वच नवीन आहोत। हे माध्यम ज्या माध्यमांवरून आपण ही सूत्रसंचालन कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे आणि इतका वेळ तुम्हाला वाट पाहावी लागली, विनम्रता काय असते याचंही सोबतच उदाहरण आपण या निमित्ताने दिलेलं आहे की तेवढ्याच विनम्रपणे आपण या उपक्रमामध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करायचंच आहे। आणि महाराष्ट्रभरातून जे 300 वर श्रोते उपस्थित आहेत त्यांना आपल्याला मार्गदर्शन करायचं आहे, हे या उपक्रमावरचं प्रेम आहे, हे आमच्यावरचं प्रेम आहे। आणि या कार्यशाळेत उपस्थित आहेत अनेक दृष्टीबाधित सुद्धा या कार्यशाळेत उपस्थित आहेत, त्यामुळे त्या अर्थानेही आपला हा कार्यक्रम वेगळा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण ठरलेला आहे। इन्हीही मार्गदर्शकांना वक्त्यांना मी पुनश्च धन्यवाद देतो आणि सीपी अँड बेरार महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि आजच्या कार्यशाळेचे अध्यक्ष सन्माननीय डॉक्टर मिलिंद बारहाते यांना मी विनंती करतो। सीपी अँड बेरार महाविद्यालय स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आणि सीपी अँड बेरार महाविद्यालय माजी विद्यार्थी संघटना यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी आयोजित आजची ही सूत्रसंचालनाच्या कार्यशाळेचे जे मार्गदर्शक आहेत माननीय श्री प्रकाशजी येदलाबादकर, माननीय श्री दयाशंकरजी तिवारी आणि माननीय श्रीमती श्रद्धा भारद्वाज आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातनं या वेबिनारला किंवा या कार्यशाळेला उपस्थित असलेले शिक्षक किंवा विद्यार्थीगण, मला अतिशय आनंद आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रातनं, म्हणजे आता मी पाहिलं की एक मॅडम कणकवली म्हणजे जे कोकणातलं कणकवली आहे तेथून जॉईन झालेले आहेत, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हा जो प्रतिसाद आपल्याला मिळालेला आहे याबद्दल मला खरोखर आनंद वाटतो आहे, अभिमान वाटतो आहे। मित्रांनो, आजचे हे तिघही मार्गदर्शक जे आहेत हे अतिशय नावाजलेले आणि त्यांच्या क्षेत्रात म्हणून ओळखले जातात। साधारणतः शिक्षक जो असतो प्रशिक्षकाला त्याला काम करताना कधी ना कधी सूत्रसंचालनाची जबाबदारी पार पाडावी लागते आणि प्रत्येक शिक्षकाला हा अनुभव असतो, पण असे असूनही आज बऱ्याच नवीन गोष्टी आम्हाला कळलेल्या आहेत। सूत्रसंचालनाचे नवीन आयाम, नवीन डायमेन्शन्स आज इथे लक्षात आलेले आहेत, त्याबद्दल खरोखर मी या तिघी मार्गदर्शकांचे आभार मानतो। विद्यार्थी मित्रांनो, सूत्र संचालन या क्षेत्रातही आजकाल एक चांगलं करिअर तुम्हाला करता येईल आणि नवीन नवीन माध्यम समोर येत आहेत, त्याच्यामुळे सूत्रसंचालन हे जे क्षेत्र आहे यात वाढती मागणी आहे, त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांनी याही क्षेत्राचा विचार करण्यास हरकत नाही आणि हाही आजच्या या कार्यशाळेचा मागचा एक उद्देश होता। मित्रांनो, सीपीएन बेरार महाविद्यालयाचे जे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आहे याची स्थापना 2010 झाली, आज 10 पूर्ण झालेले आहेत आणि आमच्या या केंद्राच्या माध्यमातून जवळपास 160 मुलांना नोकरी लागलेली आहे, त्याचा मला आनंद वाटतो। ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय अल्प दरात आम्ही हे केंद्र चालवतो
दररोज जवळपास 80 ते 100 विद्यार्थी या केंद्रामध्ये अभ्यास करतात. येथे विपुल ग्रंथसंपदा आहे, त्याचाही विद्यार्थी फायदा करून घेतात. सकाळी 8 ते संध्याकाळी 7 पर्यंत केंद्र सुरू असते आणि मॅक्झिमम याच्यामध्ये पोलीस भरती आणि MPSC क्लास 1 पर्यंतचे जे परीक्षा विद्यार्थी आहेत ते येथे अभ्यास करत असतात. आमच्या या माजी विद्यार्थी संघटनेने आज पुढाकार घेऊन महाविद्यालयाबरोबर या कार्यशाळेच्या आयोजनाकरता सहकार्य केलं, त्याचाही मला आनंद आहे. आणि असेच चांगले चांगले कार्यक्रम यापुढेही CPN बरार महाविद्यालय राबवत राहील असे मी या प्रसंगी आपण सर्वांना आश्वासन देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण समयोचित अध्यक्षीय समारोप केला, पुनश्च धन्यवाद. यानंतर मी विनंती करतो की आमच्या अनिल देव यांना, ते माजी विद्यार्थी संघटनेचे पदाधिकारी आहेत आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक समितीचे सहसचिव आहेत, आजच्या या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन त्यांनी करावं. अनिल जी, माजी विद्यार्थी संघटनेद्वारा आयोजित ऑनलाईन सूत्र संचालन कार्यशाळेच्या अंतिम टप्प्याला आपण पोहोचलो, त्यांचे आभार. आजच्या या कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी आपल्याला लावले महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर मिलिंद महाराज सर, यांचे मी या सर्व आयोजनाबद्दल आणि अध्यक्षस्थान स्वीकारल्याबद्दल मनपूर्वक आभार मानतो. कार्यशाळेचे मार्गदर्शक नागपुरातील श्रेष्ठ नॅशनल सूत्र संचालक वक्ता प्रकाशजी एतलवारकर, नागपुरातील सुप्रसिद्ध वक्ता निवेदक माननीय देवशंकर तिवारी, त्याचप्रमाणे आकाशवाणीच्या ज्येष्ठ निवेदिका सौभाग्यवती श्रद्धाताई भारद्वाज यांचे अनुभवपूर्ण मार्गदर्शन आणि अभ्यासपूर्ण उद्बोधनाने कार्यक्रमात खरंच रंगत आणली आणि सर्वांच्या ध्यानात भर पडली. मी त्यांचे मनपूर्वक आभारही मानतो आणि त्यांच्याप्रती ऋण व्यक्त करतो. सिपेंडर महाविद्यालयाचे समस्त पदाधिकारी ज्यांचे आशीर्वाद आणि सहकार्य प्रत्येक उपक्रमात आणि कार्यक्रमात आम्हाला लाभत असतात, मी त्यांचेही मनपूर्वक आभार मानतो. महाविद्यालयीन स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आणि माजी विद्यार्थी संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकारी सदस्य यांचे अमूल्य अशा सहकार्याबद्दल मी आभार मानतो. कार्यक्रमात सहकार्य करणारे लाखे प्रकाशनचे चंद्रकांत लाखे यांचे मी आभार मानतो. या ऑनलाईन कार्यशाळेसाठी अथक परिश्रम घेऊन तांत्रिक बाजू यशस्वीरित्या सांभाळणारे स्पर्धा परीक्षक मार्गदर्शन केंद्राचे समन्वयक डॉक्टर अजिंज्य कुलकर्णी यांचेही मी आभार मानतो. या सूत्रसंचालन कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या समस्त प्रतिनिधींचे आणि इतर श्रोतृवृंदांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम नागपूर किंवा विदर्भात राहील असं वाटले होते, परंतु त्याही बाहेर पुणे, मुंबई, नगर, अकोला, कोलकाता, चंद्रपूर, रावेर, जळगाव, ब्रह्मपुरी, अमरावती, तेलहार असे कितीतरी नावं घेत आहे अगदी कोकणापर्यंत सर्व यात सहभागी झाल्याचं दिसलं आणि जवळपास 345 वर प्रतिनिधी आणि प्रेक्षक यामध्ये सहभागी झाले ही अभिमानास्पद बाब आहे. त्यांच्याप्रती मी ऋण व्यक्त करतो. कार्यक्रमांच्या आयोजनात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे मोलाचे सहकार्य करणारे ज्ञात प्रत्येक व्यक्तींचे मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि माझ्या शब्दांना विराम देतो. धन्यवाद. धन्यवाद अनिलजी. आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद बाराते यांच्या अनुमतीने आजची ही कार्यशाळा इथेच संपली असं मी जाहीर करतो. सर्वांचे पुनश्च आभार. धन्यवाद.